हजारों करोड़ के घाटे से जूझ रही सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के लिए रिवाइवल प्लान पर काम जारी है। इसके तहत कंपनी VRS प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक 70 से 80 हजार कर्मचारियों को VRS देने की योजना है। हालांकि इसके लिए स्कीम को आकर्षक बनाया जाएगा ताकि कर्मचारियों को ये पसंद आए। एक साथ इतने कर्मचारियों के रिटायर होने से BSNL के काम पर असर पड़ेगा, लेकिन इसकी भी कांट ढूंढ ली गई है। कंपनी आउटसोर्सिंग के जरिए इसकी भरपाई करेगी, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखने का भी विकल्प होगा। BSNL में कर्मचारियों की तादाद काफी ज्यादा है। अगर 60 से 70 हजार भी VRS लेते हैं तो 1 लाख कर्मचारी बचेंगे। BSNL के चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार के मुताबिक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह BSNL को भी वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व जुटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ऑपरेशनल खर्च का प्रबंधन दूसरे नंबर पर है। कई ऐसे खर्च हैं जिन पर हम दोबारा विचार कर सकते हैं और कुछ पहल के जरिए इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। घाटे की भरपाई के लिए BSNL अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। ऊर्जा पर होने वाले 2700 करोड़ रुपए के खर्च में भी 15% कमी लाने की कोशिश की जा रही है। भू संपत्तियों से भी कमाई करने की योजना है। इसके लिए जमीनों को लीज और रेंट पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।